नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय में हुई आपात बैठक। नई गाइडलाइन जारी, फिर बढ़ेगी सख्ती। दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्क किया है और तुरंत कड़े नियम लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि खतरे वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच सुनिश्चित करें और जो यात्री संक्रमित पाए जाएं उनके नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजें। उधर सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर फिर समीक्षा करने जा रही है। 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन को WHO ने चिंता वाला वेरिएंट घोषित किया है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सभी देशों को खतरे वाले देशों की सूची में डाल दिया है जहां जहां इसके मामले मिल रहे हैं। इन देशों से सीधे या फिर होकर आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराना होगा। 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। RT-PCR टेस्ट बढ़ाएं, कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाएं क्योंकि हाल के दिनों में कमी आई है। ऐसे में हॉटस्पॉट पर खास नजरें रखें, जहां बीते कुछ दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं वहां तुरंत टेस्ट बढ़ाएं। गृह मंत्रालय में आपात बैठक। गृह सचिव ने अफसरों संग आपात बैठक की। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की तारीख की समीक्षा की जाएगी, विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। विदेशी यात्रियों को यात्रा का पूरा विवरण देना होगा। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए केंद्र ने रविवार शाम नई गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि विदेशी यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले अपनी 14 दिन की पूरी यात्रा का विवरण देना होगा। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।